जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संगीत में 7 स्वर होते हैं। संपूर्ण संगीत जगत इन्हीं 7 स्वरों पर आधारित है। ये 7 स्वर किस प्रकार साथ साथ रहते हुए भी कभी ऊपर की ओर जाते हैं और पुनः नीचे की ओर आते हैं। दे लिव टूगेदर एंड दे साउंड एज इफ दे आर गोइंग अप द स्टेयर्स। इसको हम सीढ़ियों के माध्यम से बड़ी ही सहजता से सीख सकते हैं। लेट अस प्ले द सरगम गेम। यहां मैंने सीढ़ियां बना रखी है। इसमें सबसे नीचे सा लिखा हुआ है, यानी लोएस्ट नोट सा है, और उसकी जो साउंड है वो भी लो है। टॉप पर जो सा है उस पर बिंदु लगी हुई है और उसकी जो साउंड है वो हाई है। इस प्रकार द लोएस्ट नोट इज सा एंड द टॉप नोट इज ऑल्सो सा। द लो सा इज ए लो साउंड। द टॉप सा इज ए हाई साउंड। इस प्रकार स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहा जाता है और स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। यहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ऊपर की ओर जा रहे हैं और फिर go up the sargam ladder and then climb down the same way। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ स्टेप्स ऊपर गए और फिर वापस लौट आए, जैसे मैंने यहाँ चित्र के माध्यम से दिखा भी रखा है। You can go up a few steps of it and come down or go up। इसी प्रकार हमने यहां आरोह और अवरोह की जानकारी हासिल की है। कहने का तात्पर्य यह है, when the notes go up the scale, it is called आरोह, and when you come down the scale, it is called अवरोह। अब मैं आपको 7 स्वरों के चढ़ते हुए व उतरते हुए क्रम को गाने के माध्यम से भी समझा देती हूं। सा सा री री गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा री री सा 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 री री गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा री री सा 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 स्वरों के चढ़ते हुए और उतरते हुए क्रम को हमने गाने में ढाला है। यू कैन इन्वेंट मैनी सच गेम्स
with the Sargam scale. Thank you.